Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेफर पोस्ट के बारे में, जो कि पोस्ट रेफर की गई है JKSSB को, और इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा. अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम बात करेंगे जहां पे जो नोटिफिकेशन निकाला गया है. ये नोटिफिकेशन जो कल मैंने एक वीडियो बनाया था, मगर आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा क्या एज लिमिट रहेगी आपकी, कितनी वैकेंसीज हैं, और कब तक ये जो नोटिफिकेशन है जो है एडवर्टाइज हो सकती है. सबसे पहले हम बात करेंगे जहां पे देखिए जो पोस्ट रेफर की गई है वो है 752 वैकेंसीज, जहां पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 752 है. इसके साथ साथ जहां पे मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पोस्ट को डिवाइड किया गया है वो कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है. टोटल वैकेंसीज जो है 752 है, जहां पे आप देख सकते हैं ओपन मेरिट कैटेगरी की 376 है, आरबीए की 75 है, एससी की 61 है, एसटी की 75 है, ईडब्ल्यूएस की 75 है, एएलसी की 30 है, पीएसपी की 30 है, और ओएससी की 30 पोस्टें हैं. ठीक है, तो टोटल आपका जो टोटल बन रहा है वो 752 बन रहा है. अब जहां पे देख सकते हैं 752 वैकेंसीज है, जिसमें जो है 45 जो पोस्ट है उसको, उस 45 पोस्ट में जो है 6% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दी जाएगी. कुछ किस कैंडिडेट को दी जाएगी, जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का कैंडिडेट होगा एज पर एग्जामिनेशन बन. ये रूल बताया हुआ है जेएनके रिजर्वेशन रूल 2005 का. अब जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्या बताया गया है, जहां पे आईएम अकॉर्डिंगली डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन अगेंस्ट द अबव रेफर्ड वैकेंसीज एट एन अर्लीस्ट. जहां पे अब जो यहां पे मैं आपको कल मैंने आपको जो नोटिफिकेशन बताया था वो जहां तक बताया था, आज मेरे पास कंप्लीट नोटिफिकेशन, और कंप्लीट नोटिफिकेशन में आपको जहां पे डिटेल में बताऊंगा. सबसे पहले ये आप देख सकते हैं ये डायरेक्टर रिक्रूटमेंट ये पोस्ट सब इंस्पेक्टर की है पुलिस की, ठीक है, पुलिस की होम डिपार्टमेंट. अब यहां पे देख सकते हैं डेजिग्नेशन जहां पे बताया गया है, सैलरी यहां पे बताई गई है 35,700 से लेकर 1,13,100. ठीक है, क्लास सर्विस क्या रहेगी, नॉन गेजेटेड रहेगी, कैडर कौन सा रहेगा, यूटी कैडर रहेगा, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर विच रिक्वेशन इज मेड. ये पोस्टें सारी की सारी परमानेंट है, नील जहां पे टेम्पररी के लिए नील है, तो सारी पोस्टें आपको परमानेंट देखने को मिलेगी. आप जहां पे देख सकते हैं, जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा ये रिजर्व अंडर प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल कास्ट अदर कैटेगरीज. ठीक है, तो ये पहले मैंने आपको डिटेल में बताया था कितनी कितनी वैकेंसीज है, अनरिजर्व वैकेंसीज कितनी है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ए एंड बी, ये सारा का सारा क्लियरली यहाँ पे बताया गया है. 6% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उनको मिलेगी जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे. आप जहां पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहां पे बात की जाए, सो जहां पे बताया गया है नंबर एंड डेट ऑफ नोटिफिकेशन सैंक्शन द रिक्रूटमेंट रूल्स. ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर रूल्स 1960 रीड एंड अमेंडेड बाय. ठीक है, अब जहां पे ये जो प्रेजेंट वैकेंसीज आर फॉलिंग इन द डायरेक्ट कोटा, ऑल वैकेंसीज फॉलिंग इन द डायरेक्ट कोटा, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हैव बीन इंक्लूडेड इन द रिक्वेशन. अब जहां पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इस नोटिफिकेशन में दी गई है. इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली बताया गया कि 1200 वैकेंसी जो एडवर्टाइज की गई थी, पहली बार इसकी एडवर्टाइजमेंट की थी एसएसबी के द्वारा, और अभी ये इसका जो प्रोसेस है अभी अंडर वे है. ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि जैसे ये कंप्लीट होगा फिर इसको जो है न्यू एडवर्टाइजमेंट निकाली जाएगी. अब ये ज्वाइनिंग का टाइम क्या रहेगा, 21 डेज के अंदर इसको ज्वाइनिंग करवानी है. अब जहां पे जो आपके लिए रहेगी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, आप सभी जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन ही होगी. ठीक है, तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है. अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आपको एज रिलैक्सेशन मिली थी, इस बार एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगी. ठीक है, रीजन क्या था पिछली बार का रीजन यह था कि तो पोस्ट लेट एडवर्टाइज की गई थी, बीच में 2-3 साल का गैप आ गया था कोरोना की वजह से, तो इस बार जो एज लिमिट रहेगी वो 18 साल आपकी मिनिमम रहेगी और मैक्सिमम आपकी 28 ईयर रहेगी. और 28 यानी कि आपका अगर जो नोटिफिकेशन है ये जून जुलाई में ही निकाला जाता है, जून जुलाई में भी निकाला गया, तो फिर भी आपकी जो है अगर आपकी जनवरी मंथ तक आपकी फरवरी में जो है एज हो रही है, ठीक है, 28 ईयर हो रही है, तो फिर भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे. ये देख सकते हैं इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट की जो एज है 18 साल मिनिमम और नॉट क्रॉस द एज ऑफ 28 ईयर. ठीक है, एज जो कंसिडर की जाएगी आपकी 1 जनवरी से कंसिडर की जाएगी. ठीक है, ऑफ द ईयर इन विच नोटिफिकेशन इनवाइटिंग एप्लीकेशन इज इश्यूड बाय द जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. ठीक है, तो आप जहां पे जैसे आपकी
हो सकता है, मुझे लगता है अगस्त सितंबर नवंबर तक भी अगर आप ये नोटिफिकेशन निकाला गया तो एज आपकी फर्स्ट जनवरी से ही कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो अगर आपकी जहाँ पे डेट हो गई या आपकी आप ओवर एज हो गए हो तो फर्स्ट जनवरी को कंसिडर, फर्स्ट जनवरी को आधार मान के आपको आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और उसके साथ साथ अपर एज लिमिट क्या रहेगी, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो भी पर्सन आगे इन सर्विस हैं पुलिस पर्सनल में, उनकी एज को फिर से 2 साल बढ़ाया जाएगा, 28 से 30 किया जाएगा। ये 30 साल जहां पे क्लियरली मेंशन है। और एक्स सर्विस मैन हैव बीन सर्व्ड इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन शैल बी अलाउड टू डिडक्ट द पीरियड ऑफ सच सर्विस फ्रॉम हिज एक्चुअल एज एंड इफ द रिस्टूडेंट एज डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम एज लिमिट बाय मोर देन 3 ईयर्स ही शैल बी डीम्ड टू सेटिस्फाई द कंडीशन रिगार्डिंग एज लिमिट। आप जहां पे देखते हैं क्लियरली ये सारा का सारा यहां पे मेंशन किया गया। अब यहां पे इंपॉर्टेंट मैं आपको थोड़ी चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले चीज जो है कि नोटिफिकेशन कब निकाली जाएगी, इसी साल को निकाली जाएगी। आई होप आपका जी जो प्रोसेस है जी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा 1200 पोस्टों का, और इसी साल जो नोटिफिकेशन निकाली जाएगी। मगर जब तक ये नोटिफिकेशन ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, ये 1200 पोस्टों का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, नोटिफिकेशन तो निकाल दी जाएगी मगर इसका पेपर जो है इतनी जल्दी कंडक्ट नहीं होगा जब तक ये इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि जिस जल्दी ही ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका 1200 पोस्टों वाला, उसके बाद जो है ठीक उसके बाद जो है ज्वाइनिंग करने के बाद फिर JKSSB वापस इनिशिएट लेते हुए इन 750 पोस्टों को भी एडवर्टाइज करेगी। ठीक है, तब तक अगर ये अभी तक ये प्रोसेस चल रहा है, जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तो मुश्किल है इसमें कोई अभी और कोई इनिशिएट लिया जाएगा। तो आप मान के चलिए किसी साल ये जो है रिक्रूटमेंट जो है होने की संभावना है, और 750 जो वैकेंसीज है 752 उसको JKSSB जल्द ही निकाल दी जाएगी अगर ये इसमें कोई ना कोई अगर इसका रिजल्ट आता है पहले 1200 पोस्ट का। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन जो है ये मैंने आपको फुल नोटिफिकेशन बताया, कल जो मैंने जो नोटिफिकेशन बताया था वो हाफ था, वो प्रॉपर तरीके से मेरे पास नहीं था, तो ये आप देख सकते हैं। अब इसके रिलेटेड अगर कोई और भी मुझे जॉब अपडेट के बारे में पता चलता कि पोस्ट रेफर कौन कौन सी की गई है JKSSB को, तो वीडियो के माध्यम से मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।